थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए. यू आर वेरी बिजी. एंड सबसे बड़ी बात, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. हाँ जी. सो आपके अगर करियर की मैं बात करूँ, इतना अमेजिंग लगता है. और हमेशा मैं पूछते रहता हूँ, इतनी कम उम्र में इतना सक्सेस पाना, और यू आर डूइंग सो वेल. काव्या की बात करूँ, इमली की बात करूँ, बिग बॉस की बात करूँ, सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू यू. थैंक यू. हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर डे? मुझे ऐसा लगता है 365 डेज वुमेन्स डे होना चाहिए. हाँ, वैसे ऐसा एक्चुअली है कि एक वैसे तो हर दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बट एक पर्टिकुलर दिन मना दिया है कि इसी चीज़ के लिए, तो वो भी मुझे ठीक लगता है. एंड आई थिंक कि या वैसे गुड. यस. एंड करियर की मैं बात करूँ, इतनी कम उम्र में इतना सक्सेस पाना, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आपके जो किरदार है, मैं हमेशा से देखता हूँ, इमली का हो गया या फिर काव्या का होगा. काव्या का तो किरदार, जब मैंने पहली बार जब ट्रेलर देखा था, प्रोमो देखा था, आपसे पहला ही सवाल मैंने पूछा था, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? क्योंकि इतना मैच्योरिटी वाला रोल करना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, आप अगर कुछ बताना चाहोगे. ऑफकोर्स डिफिकल्ट था, एंड डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले किया नहीं है. एंड मैं स्पेशली वही करना चाह रही थी कि ऐसा कोई कैरेक्टर हो जिसके लिए मैं भी चैलेंज्ड फील करूँ कि यार ये कैसे होगा. सो अगर इमली को देखें एंड देन काव्या को देखें, कि दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और इसीलिए मेरा ये कारण था कि मुझे काव्या करना ही है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था. एंड वो डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफरेंट है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा. करियर की अगर मैं बात करें, पीछे चलते थोड़ा पीछे, जब शुरुआत आपकी करियर की हुई, जब आपको पता चला, तो सबसे पहला टेक कौन सा था आपका? कोई याद है आपका सबसे पहला टेक या फिर सबसे पहला सिलेक्शन जिसके लिए आपने सिलेक्शन किया? वो जोधा अकबर था. 2014 में जब मुझे सबसे पहला शो मिला था जोधा अकबर, एंड आई रिमेम्बर बस मैं और पापा ऐसे ही बैठे हुए थे. मैं ऑडिशंस कंटिन्यू दे रही थी, सानिया का दूसरा शो था जोधा अकबर, और तब तक मुझे लग रहा था मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा. एंड तब अचानक से ही पापा को एक कॉल आया कि नहीं, हमने सुमुल को लॉक कर लिया है. एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग खुशी के मारे, क्योंकि वो मुझे पहला शो मिला था, तो मैं पागल हो गई. तब मैं 10 साल की थी. शुरुआत में कब ऐसा लगा कि एक्टिंग में जाना है और इसको ही अपना करियर परस्यू करना है? ये मुझे मतलब मेरा जब एक्टिंग का करियर चालू हुआ, उसके 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यही करना है. तो स्टार्टिंग के 2 साल थोड़ा ऐसे थे कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं, क्योंकि पहले उतना इंटरेस्ट नहीं आया कभी भी. पर मैंने फिर एक 2016 में शो किया 2 साल बाद, वारिस. तब धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट बनता गया, जब मैंने देखा कि क्योंकि मैं पहले छोटी भी थी, फिर धीरे धीरे समझा कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और मुझे डांस पहले करना था. बट देन आई रियलाइज कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें करने का मौका मिलेगा. आप डांस भी कर सकते हो, आप एक्शन सीन, मतलब आपको एक्चुअली वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर रहे हो. तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, एंड धीरे धीरे करके फिर मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया एक्टिंग की तरफ. आपका आइडियल कौन रहा है शुरुआती दौर में, या फिर अभी के कोई ऐसी एक्ट्रेस को जो लुक फॉरवर्ड करते हो? मैं एक्चुअली ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो मैं अपने आइडियल के तौर पे देखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. बट मैं शायद ऐसा चलते फिरते किसी से भी थोड़ा सा इंस्पायर हो जाती हूँ. yes. कि कभी कोई मेरे सेट पे कोई एक्टर हो सकता है, मेरे दोस्तों में कोई हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए, तो वो मुझे देख के लगता है कि यार ये लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ. तो अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब मुझे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, मुझे कोई भी इंस्पायर कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए. इमली की अगर हम बात करें, इमली के बाद बिग बॉस किया, उसके बाद से जो ऑडियंस फैन बेस आपका बना है, एक मैं देखते रहता हूँ कभी भी. रिसेंटली मैं अभी आपके डैडी से बोल रहा था कि मैं आपका एक गाना आया था सुमित के साथ. हाँ जी. तब मैंने लोगों से अपील की थी कि आपके लिए सवाल भेजिए. हाँ. तब इतने अलग अलग देशों से, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कई कई देशों से सवाल आए थे आपके लिए, आपके और सुमित के लिए. तो ये जो ओवरऑल इंडिया में ही नहीं, फैन बेस बाहर के देश में भी आपके फैन बेस है, तो ऐसा लगता है कि जब आप बैठते हो तो जब मैसेज किस तरह से आप रिप्लाई करते हो लोगों को? मैं यूजुअली ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा. तो क्योंकि वहाँ पे ना जैसे ही कुछ भी मेरा काम आए, चाहे वो किसी चीज़ का प्रोमो हो, चाहे वो कोई गाना हो, या अभी जैसे काव्या है, तो वो जैसे ही लोग देखते हैं ना, उनके फीडबैक ऐसे आने चालू हो जाते हैं, उनको क्या अच्छा लगा. एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट. अगर उनको कुछ अच्छा नहीं भी लगता तो वो भी बताते हैं. तो वो देख के इतनी अलग अलग जगहों से आते हैं मैसेजेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं.
एंड आई जस्ट फील कि ये बस हमेशा ऐसे ही रहे. मैं ऐसा कभी मुझसे कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो कि वो डिसअपॉइंट हो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं. कभी फैंस से ऐसा इंटरेक्ट करते करते कुछ ऐसा लगा यार ये फैन कुछ अलग बोला है मेरे को अब तक? हाँ मतलब ये आई थिंक ट्विटर पे बहुत फेमस है बट मैं काव्या के टाइम पे एक बार ट्विटर स्पेस होता ना उसमें आई थी तो उसमें एक थी आई थिंक उनका नाम सोनाली सिंघानिया था और उन्होंने वो ही ऐसी बात करते करते वो शायद शी मतलब शी गॉट लॉस्ट समवेयर एंड शी सेड कि आपका वो उन्होंने मुझे ये बोला कि एक हमारा सीन था इमली में यू नो सिंदूर वगैरह का तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया खून भरी मांग का एंड मैं ऐसे हो गई थी एक सेकंड के लिए मैंने क्या खून भरी मांग एंड वो भी कंफ्यूज हो गई कि मैंने क्या बोला एंड अभी तक इट्स फनी इट्स रियली फनी. ओके आपके अगर करियर की मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट पॉइंट लगता है आपके फादर जितना भी मैंने देखा है उनसे हमेशा मैं बात करते रहता हूं कि आप काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं आपके जैसे फादर सबको मिलने चाहिए मुझे ऐसा लगता है. मेरे फादर भी उतनी सपोर्ट करते मुझे भी. आप अगर कुछ बताना चाहोगे शुरुआती दौर में जब फादर ने किस तरह से आपको एनकरेज किया था? एक्चुअली जैसे कि पता है सब लोगों को मेरे पापा सिंगल पेरेंट थे पहले जब हम छोटे थे तो तब से सिर्फ वो नहीं जब हम एक्टिंग में आए तब उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया. हम जब दिल्ली में भी रहते थे जब हम डांस क्लासेस जाते थे पापा की एकेडमी में ही थे तो तब भी मैं तो तब करीब 7-8 साल की थी सानिया भी 4-5 साल की थी तब से ही पापा डांस तो सिखाते थे पर उसके अलावा यू नो सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हमारी यूनिफॉर्म्स आयन कर रहे हैं यूनिफॉर्म्स धो रहे हैं हमें स्कूल भेज रहे हैं हमारा ट्यूशन भेज रहे हैं खाना बना रहे हैं खाना भी खिला रहे हैं एंड अकेडमी भी हैंडल कर रहे हैं. तो पापा सारे रोल्स एक माँ का एक पापा का वो सब साथ में निभाते थे एंड हमें पहले इतना समझ में नहीं आया कि क्योंकि हम बहुत छोटे थे वो सब चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए कि कितनी बड़ी बात है. ये अभी हमें बाद में समझ आया धीरे धीरे कि नहीं ये करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है दो लाइफ एक साथ हैंडल करना. सो आई जस्ट फील कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे पापा इतने सपोर्टिव हैं एंड मैं फिर से बहुत लकी हूँ. यस एंड जितनी भी बात हो जाए मैंने एक चीज़ नोटिस की थी जब आप बिग बॉस के घर के अंदर थे बिग बॉस के इतिहास में इतने बार पेरेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है डायरेक्ट कनेक्शन इंटरेक्शन कंटेस्टेंट के साथ आपका सबसे ज़्यादा हुआ था एंड उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया था क्योंकि आप एक पॉइंट में स्टक हो गए थे तभी भी उन्होंने सपोर्ट किया था उसके बाद भी सपोर्ट किया था सो उनका जो सपोर्ट था वो बहुत हाई था तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से आई थिंक बीइंग अ पेरेंट आप कैसे भी करके कोशिश करोगे अपने बच्चे को बचाने की कुछ भी हो जाए एंड मेरे पापा ने जितना मुझे सपोर्ट किया जितना यू नो जितना कोशिश की मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए वो आई थिंक वो मेरे पापा ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ऑफकोर्स हर पेरेंट होता है अपने बच्चे को लेके एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि पापा यू नो कैसे भी करके बस कोशिश कर रहे थे कि वो मुझे कुछ समझा पाए मुझे बता पाए एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा सच्ची बताऊँ तो. लोगों को वो समझता नहीं है उतना लोगों को अनफेयर लगा दुनिया भर की रिपोर्ट पता नहीं क्या क्या लगा बट आई थिंक कि वन डे व्हेन दे'ल हैव चिल्ड्रन एंड दे'ल रियलाइज दैट हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं. करेक्ट. सो आई थिंक कि लोगों को वक्त लगेगा वो समझने पर अगर नहीं भी समझे तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता. आप हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी बात करते हो काफी चीज और आज के दिन अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें तो अनफेयर हो जाएगा. क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह से आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है वुमेन एम्पावरमेंट को कोई भी टेल अस समथिंग अबाउट दैट वुमेन एम्पावरमेंट. सी आई थिंक आज की जितनी औरतें मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जब से चालू हुआ अभी देखो ये तो बहुत टाइम से चल रहा है बहुत टाइम से लोग कोशिश कर रहे हैं कि औरतों को अपने लिए खड़ा होना चाहिए अपने लिए बोलना चाहिए पर पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था. अब सोशल मीडिया आया है तो अब ये चीज़ें और ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं यू नो वुमेन एम्पावरमेंट कितनी रील्स आती हैं औरतें औरतों को सपोर्ट कर रही हैं कितनी सारी चीज़ें हैं और इतने सालों में जो मैंने देखा है मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने सालों के बाद औरतें इस मुकाम पर पहुँच चुकी हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है उनके लिए बोलने के लिए. हाँ कुछ जगह ऐसी हैं जो गांव हैं या फिर छोटे शहर हैं जहाँ पे लोग अपनी घर की बेटियों को अपने घर के औरतों को आगे काम नहीं करने देते पढ़ाई नहीं करने देते सिर्फ शादी करा देते हैं उनको मुझे लगता है वहाँ तक हमारी बात पहुँचने फिर भी थोड़ा टाइम जाएगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग गलत हैं अपनी जगह पे देखा जाए तो वो भी गलत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बचपन में देखा है
उनको जैसे उनकी यू नो अपब्रिंगिंग है वो अपने हिसाब से आगे की चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारे यू नो पूर्वजों ने हमें बोला था हम वो करते ही जाए, क्योंकि दुनिया भी बदल रही है, कितनी चीज़ें बदल रही हैं. सो बस वो उनके पुराने थॉट्स हैं जो उनकी शायद दादी ने बोला होगा कि नहीं औरतों को नहीं जाना चाहिए, तो वो भी बोल रहे हैं नहीं बेटा तुम्हें बाहर नहीं जाना है, और बेचारा बच्चा सोच रहा है कि मैं क्यों, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस आज के लिए है कि वो आज क्या हो रहा है दुनिया में. वहाँ तक बातें पहुँचने बहुत टाइम जाएगा, बट आई थिंक हम धीरे धीरे करके उस मुकाम तक पहुँच रहे हैं. मैं अगर टेलीविजन की मैं बात करूँ, जो टेलीविजन एक्टर रहता है, एक्ट्रेस, बीइंग अ जर्नलिस्ट, व्हाट आई हैव नोटिस्ड ना, ये जो मीडियम रहता है ना सबसे ज्यादा सिखाता है एज एन एक्टर. आप अगर कुछ बताना चाहोगे व्हाट यू हैव लर्न, क्योंकि हमारी 14 घंटे की शिफ्ट रहती है, काफी डिफिकल्ट रहता है वो पीरियड. आपसे अभी थोड़ी देर में चर्चा हो रही थी, हम घर से थोड़ा दूर रहते हैं. सबसे बड़ी लर्निंग प्रोसेस क्या रही आपकी? इमली की मैं बात करूँ, काव्या की मैं बात करूँ, इतने आर्स आपने इन दोनों शो को दिए, सबसे बड़ी सीख क्या है दोनों शो के? सीख तो आपको आई थिंक मुझे तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी मिल जाती है जेन्युइनली, चाहे वो इमली के टाइम पे हो, यहाँ पे जैसे कितने बार ऐसा होता है कि यू नो कुछ भागवत गीता में कही हुई कोई बात एक डायलॉग में आती है, तो उसमें हमको ऐसे छोटा सा नॉलेज मिल जाता है कि ऐसा कुछ कहा गया है जो कि बहुत खूबसूरत है. ये चीज़ें तो एक बहुत अलग है जो हमें स्क्रिप्ट के थ्रू नॉलेज मिलती है, और उसके अलावा एज जो जितने भी एक्टर्स हैं वो जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे उससे बिल्ड होने लग जाती है. आप अनजाने में ही किसी कैरेक्टर से कोई एक चीज़ उठा लेते हो जो आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, पर वो आपके कैरेक्टर को, आपके जो पर्सनालिटी है खुद की, उसको बनाने लग जाता है. एंड आई थिंक जो मैंने फील किया इमली के टाइम से कि मैंने इंडिपेंडेंट फील करना चालू कर दिया है, और इंडिपेंडेंट इन द सेंस बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है खुद को अच्छा फील कराने के लिए. सो इमली के टाइम पे जो मेरी कार थी, अर्टिगा नहीं थी ऑफकोर्स मेरे पास तभी, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, पर मैं खुद से गाड़ी चला के जाती थी और खुद से गाड़ी चला के आती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था ना वो कि मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जा रही हूँ अपने सेट पर, मुझे ऐसा इंडिपेंडेंट फील होता था ना उस चीज़ में, बोला ओ माई गॉड क्या मज़ा आ गया. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालती है कि आप खुद से आप अकेले भी चीजें कर सकते हो. सबसे फेवरेट को-स्टार कौन रहा है आप तक का? फेवरेट को-स्टार एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ, मैं लकीली जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है मैं बहुत लकी रही हूँ उसमें कि मुझे अच्छे एक्टर्स भी मिले हैं और बहुत सपोर्टिव को एक्टर्स भी मिले हैं. सुमित के साथ आपकी मुझे केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती है. सुमित और मैं तो मतलब हमने वो क्योंकि ज्यादा बात नहीं करते तो मुझे थोड़ा ऐसा था कि यू नो ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए सेट पे, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे लगा मैं किसी को परेशान ना करूँ, मेरा सबसे पहला ये रहता है. और बट पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि यू नो बहुत आसानी हुई बात करने में, एक दूसरे को जानने में, एंड हमने 24 आवर्स साथ में शूट किया एंड देन हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए. कभी ऐसा लगा कि और गाने आने चाहिए आपके पेज पे, कि जो आया था काफ़ी अमेजिंग, पहले ऑडियो आया, फिर ऑडियो का इतना अच्छा रिस्पॉन्स, फिर वीडियो आया, फिर लोगों से इंटरेक्शन, ये जो प्रोसेस था काफी बड़ा प्रोसेस हो गया था ये एक्चुअली गाने और है. पहली बार ऐसा हुआ, पहला ऑडियो आया फिर ऑडियो को हिट मिला. मैंने कितने इंटरव्यूज किए तो मैंने पहली बार सुबह से भी मैंने पूछा था वीडियो कब आएगा, ऑडियो इतना हिट हो गया, फिर बाद में आप लोग का इंटरव्यूज हुए थे. कुछ अगर बताना चाहोगे, have you planned something more like that? Actually I have planned, but और जितने songs हैं मेरे पास फिलहाल वो थोड़े से मतलब फन जोन में भी हैं कुछ गाने, और कुछ गाने बहुत ही ज़्यादा यू नो क्या बोल सकती हूँ मैं उसे, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी रियल है, जो लोगों को हिट कर जाएगा जो मुझे लगता है. एंड दैट वन सॉन्ग इज़ दैट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, जिसके लिए मैं लिटरली हर दिन सोचती हूँ कि मुझे इसमें और क्या करना है. तो मैं इस गाने को आने में टाइम लगेगा अभी. किसके साथ ये सोलो है? ये सोलो है, नो ये सोलो है. मिस्कत के साथ? मिस्कत के साथ गाना मैं जरूर करना चाहूंगी. ये आप लोग की रील्स, मुझे पर्सनली एक रील है जो लुटपुट गया है अलग-अलग जगहों पे आपने शूट. हां वो आईडिया उसका था, एडिट मैंने किया. बहुत मस्त है वो रील. थैंक यू. उनके बारे में बताइए जरा, उनके साथ केमिस्ट्री आपकी काफी लोगों को इतनी प्यारी लगती है. नाउडेज यू गाइस आर ट्रेंडिंग, टेल अस क्या अमेजिंग हो जाता है उनके साथ काम करने में.
मिश्कात के साथ शूट करना एक्चुअली स्टार्टिंग से ही डे वन से चाहे वो मॉक शूट्स हों वो बहुत ही आसान रहा है. वो बहुत ही सपोर्टिव को एक्टर है एंड जैसे मैंने कहा मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जितने को एक्टर्स मिले सब बहुत अच्छे हैं. एंड सेम विद मिश्कात, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वो हमेशा बोलता है कि लाइक योर क्या, वो तो क्या बोलता रहता है यार, उसने कुछ तो बोला था मैं भूल गई एग्जैक्टली. कि जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है हमेशा. एंड लोगों को केमिस्ट्री पसंद आ रही है एंड हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं तो हमने प्रूव कर दिया. एंड जस्ट बिकॉज वे गुड फ्रेंड्स, हम लोग चाहे कितने भी सीन्स हो कैसे भी सीन्स हो बहुत मज़ा आता है करने में साथ में. रील्स भी बनाते हैं, वो परेशान हो चुका है मुझसे क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूँ रील्स बनाने में. तो बोलता है यू डोंट नो ना बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, वो परेशान हो जाता है, बोलता है सुंबुल कर दे एडिट सुंबुल कर दे. और मैं तो ना कर रही हूँ ना कर रही हूँ ना, मेरे को बहुत आलस आता है. फिर जब मेरे को डांट देता है फिर मैं कर देती हूँ. सुमुल लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है आपका एट दिस एज वेयर यू हैव अचीव सो मच थिंग्स एंड टच वुड और आप अचीव करो. मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा ऐसा बात करते रहता हूँ आपके फादर से कि मैं चाहता हूँ कि और अचीव करें आप लाइफ में, पर ऐसा कोई बड़ा गोल ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है. पर मुझे बस ऐसे फील करना है, मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचे या क्या समझे, पर मुझे ऐसा फील करना है कि जो मैं करना चाह रही थी वो मैंने कर दिया है. वो मुझे एक बार वो फीलिंग जब आएगी ना तब वो एंड नहीं होगा पर वो ऐसा रहेगा कि नाउ आई हैव रीच समवेयर जहाँ पे मुझे पहुँचना था. पर अभी इसके आगे देखते हैं क्या होता है और कहाँ जा सकते हैं. तीनों खान की अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा खान के साथ जो फर्स्टली आपको ब्रेक चाहिए तो कौन सा खान होगा? ये पूरी रेडी और चप्पल घर पे होना कंफर्ट जोन एनी टाइम.